मित्रों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 14वां अंक प्रस्तुत है और आज का टॉपिक है एलोरा की गुफाएं। मित्रों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए जानते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। विश्व के आश्चर्यों में से एक महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर। सह्याद्री की पर्वतमालाओं में ठोस चट्टानों को तराशकर 34 गुफाओं का निर्माण किया गया, जिनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों से, गुफा संख्या 13 से 29 तक हिंदुओं तथा गुफा संख्या 30 से 34 जैनियों की गुफाएं हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती हैं। स्थानीय स्तर पर एलोरा की गुफाओं को वेरुल लेडी के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफाओं को बनाने में कई राजवंशों का योगदान रहा, क्योंकि गुफाएं कई शताब्दियों तक बनती रही। पुरातत्ववेत्ताओं ने ये प्रमाणित किया है कि ये स्थान 20,000 वर्ष पूर्व लोगों से आबाद था। ईसा पूर्व इस क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं का शासन था। क्योंकि एलोरा प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसलिए व्यापारियों वणिकों के अलावा राजकीय संरक्षण भी मिलता रहा। गुफा संख्या 15 की पीछे की दीवार पर एक लेख में राष्ट्रकूट वंश के शासक दंडी दुर्ग के आश्रय व संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। ये राजा ईसा पश्चात 753 से 787 ईस्वी में हुए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार एलोरा की गुफाएं 6वीं-7वीं शताब्दी से 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुई, जबकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का मानना है कि ये गुफाएं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी में बनाई गई थी। अजंता की तरह एलोरा केवल बौद्ध गुफाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ हिंदू और जैन मंदिर भी हैं। हिंदू और बौद्ध मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट काल में हुआ तथा जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों के समय हुआ। इस तरह एलोरा धार्मिक संगम का स्थल भी है। एलोरा में पहले बौद्ध मंदिर बने, इसके पश्चात हिंदू मंदिर, फिर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। एलोरा की चित्रकला अब फीकी पड़ गई है। केवल 5 गुफाओं की दीवारों पर ही चित्र सुरक्षित हैं। एलोरा में सर्वाधिक प्रभावशाली चित्र कैलाशनाथ मंदिर के अलग अलग भागों की छतों व दीवारों पर बनाए गए हैं। कैलाश मंदिर के अलावा लंकेश्वर, इंद्रसभा और गणेश गुफा की दीवारों पर भी चित्र मिलते हैं, लेकिन ये खराब दशा में हैं। ये चित्र अजंता की तरह ही बनाए गए हैं, लेकिन इनमें कला कौशल के हास्य के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। एलोरा की चित्रकला में मध्यकालीन चित्रकला के संकेत भी दिखने लगते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 32 में उड़ती हुई आकृतियों व बादलों का दृश्य अत्यंत सुंदर है। एलोरा के चित्रों में सफेद, पीले, गेरुए, गहरे नीले, हरे और काले रंगों का प्रयोग किया गया है। गुफा संख्या 16 में एक शिलालेख कृष्ण राय प्रथम को समर्पित है, जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो दंडी दुर्ग के चाचा और उत्तराधिकारी थे। कैलाश मंदिर प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भगवान शिव को समर्पित विश्व का सबसे विशाल अखंड एक ही चट्टान से निर्मित 3 मंजिला ऊंचा बनाया गया है। विशाल चौखटे हैं, विशाल बरामदे जो देवताओं की मूर्तियों से सजे हैं। आंगन में एक नंदी की विशाल मूर्ति है और मंदिर के प्रांगण में ही एक ही पत्थर से निर्मित ध्वजा स्तंभ है और उसके
दोनों ओर दो विशाल हाथी की मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में भव्य शिवलिंग स्थापित है। यद्यपि यह शिव मंदिर है, फिर भी यहाँ वैष्णव देवताओं की मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। 20,000 टन पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर, जिसे पूरा करने में 100 वर्ष लगे। तीन महान धर्मों के संगम के एक ही स्थान पर मौजूदगी के अलावा एलोरा कलात्मकता, सुंदरता और सृजन शक्ति का स्मारक है, जो अनेक शताब्दियों में पूर्ण हुआ है। अब आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। एलोरा का प्राचीन नाम वेरुल है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 गुफा संख्या जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा संख्या 1 यह बिहार गुफा है, जहां भिक्षु रहते थे। यहां किसी प्रकार की मूर्ति या शिल्प नहीं है। गुफा संख्या 2 में ये उपासना स्थल हैं। यहां पंचिका यानी जो धन का देवता है और हरिति जो समृद्ध व सौभाग्य की देवी है की मूर्तियां बनी हैं। और इसी गुफा में बुद्ध की लगभग 3 मीटर ऊंची मूर्ति भी है, जो कि बैठी अवस्था में है। गुफा संख्या 3 में बुद्ध की कमल पर विराजमान मूर्ति स्थापित है। गुफा संख्या 4 यह 2 मंजिला है और यहाँ बुद्ध एक पीपल के नीचे बैठे दिखाए गए हैं। गुफा संख्या 5 में यहाँ एक बड़ा हॉल है, जमीन पर चौकियां बनी हैं। ऐसा लगता है यह भोजन कक्ष रहा होगा, जहाँ लोग सामूहिक भोजन किया करते रहे होंगे। गुफा संख्या 10 यह एक चैत्य या प्रार्थना स्थल था, इसे विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं। गुफा संख्या 11 और 12 ये 3 मंजिला हैं, जिन्हें क्रमशः 2 ताल और 3 ताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊपर भिक्षुओं के रहने का स्थान था और नीचे मंदिर। यहाँ बुद्ध के साथ दुर्गा और गणेश की मूर्तियां भी हैं। गुफा संख्या 12 यह शयन कक्ष भी था, जहां पे 7 बुद्ध की मूर्तियां एक श्रेणी में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 14 इसे रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। और गुफा संख्या 15 इसमें एक विशाल दरबार बना है और यह 2 मंजिला है। यहां पर विष्णु की दशा अवतार की मूर्ति है। एलोरा की सबसे भव्य वास्तुकला, जिसे दुनिया भर में पहचान मिली है, गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 यह गुफा सबसे आकर्षक है। इसमें कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने 8वीं सदी में कराया था। कैलाश मंदिर 143 फीट लंबा, 21 फीट चौड़ा तथा 90 फीट ऊंचा है और यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की और भी महत्वपूर्ण बातों को हम जब मंदिर कला के बारे में अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। गुफा संख्या 21, इसको रामेश्वर गुफा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें गंगा यमुना के सुंदर दृश्यों को उकेरा गया है। गुफा संख्या 29, यह गुफा सीता की नहानी के रूप में पहचानी जाती है। गुफा संख्या 30 यह छोटा कैलाश है और गुफा संख्या 32 यह सबसे शानदार है और इसे इंद्र सभा कहा जाता है। यहां महावीर की एक प्रतिमा भी है। और गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है। इस तरह अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे बाघ की गुफाओं के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।